नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एक सेकंड, फोन साइलेंट कर दो। हाँ, मित्रों, आज यूपीपीसीएस का जो सूचना आई है कि जो 13 जून को यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम था 2021 वाला, उसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है और कोरोना के कारण वो एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। अगली डेट के लिए सूचना दी जाएगी। तो आप समझिए कि अभी तत्काल जून में आप अगर पेपर नहीं है तो जुलाई अगस्त के बाद ही अब ये पेपर संभव है, शायद अगस्त में जाए या उसके बाद। अभी तो जैसी स्थिति बनी हुई है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चूंकि मई के हिसाब से जून में पेपर था तो अभी प्री का समय चल रहा था और प्री पर ही फोकस कर रहे थे सारे स्टूडेंट, लेकिन चूंकि पेपर टल गया है तो अब थोड़ा बहुत मेंस पर भी फोकस करेंगे। अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है उनके लिए हम हिंदी साहित्य का क्लास स्टार्ट करेंगे और आज हम हिंदी साहित्य के सिलेबस पर बात करते हैं। और हिंदी साहित्य का जो यूपीपीसीएस का सिलेबस है, तो आज हम सिलेबस पर बात करते हैं हिंदी साहित्य के, और इसकी क्लासेस हम शुरू करेंगे। तो आप लोग यूट्यूब पर इन्हें देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उस पर जुड़ के आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आप जीएस के भी आंसर लिख सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का सिलेबस देख लेते हैं किस तरह से है। तीन खंड में डिवाइड है। पहला है हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि का इतिहास, यानी कि ये भाषा विज्ञान का खंड है। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आपके चारों काल आ जाएंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल प्लस आधुनिक काल। फिर जो ये तो आपका फर्स्ट पेपर में आता है, ये इतना आपका फर्स्ट पेपर का भाग है, फर्स्ट पेपर का। और ये आपका ये पोर्शन जो है ये आपके सेकंड पेपर में आता है। सेकंड पेपर में ये जो कवि लेखक के नाम और इनकी रचनाएं दी गई हैं, इनसे आलोचनात्मक प्रश्न भी आते हैं और व्याख्या के प्रश्न भी इनसे पूछे जाते हैं। तो चार मध्य जो आपका भक्ति काल है उससे चार कवि हैं, कबीर, सूर, तुलसी और जायसी। जायसी का पद्मावत है, कबीर की साखी है, सूर के पद हैं भ्रमर गीत सार के, और तुलसी के तुलसी का आपको जो रामचरितमानस है उसका उत्तर कांड है। इसका क्या है आपके सिलेबस में? उत्तर कांड। इसके बाद बिहारी हैं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी के दो सर्ग हैं, श्रद्धा सर्ग और इड़ा सर्ग, पंत का नौका विहार और परिवर्तन दो कविताएं हैं, निराला की राम की शक्ति पूजा है, अज्ञेय की असाध्य वीणा है, मुक्ति बोध की अंधेरे में है, नागार्जुन की बादल को गिरते देखा है और अकाल और उसके बाद। ये आपके काव्य खंड में है। और इसका दूसरा पार्ट है गद्य खंड। गद्य में नाटक है आपके अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, स्कंद गुप्त प्रसाद का है, उपन्यास है गोदान है मुंशी प्रेमचंद का, और मेला आंचल है फणीश्वर रात रेणु का, निबंध है चिंतामणि भाग एक से, कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति दो निबंध है जो शुक्ल जी के हैं, ये शुक्ल जी के निबंध है, और ये कुटा जी एक निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और कहानियां हैं, कहानियां आपके में पांच है, प्रेमचंद की माँ कहानी है, जयशंकर प्रसाद की है आकाशदीप, अज्ञेय की है रोज, राजेंद्र यादव की है जहाँ लक्ष्मी कैद है, और उषा प्रेमदा की कहानी है वापसी। चूंकि यहाँ जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने नाम नहीं लिखे हैं, और इन सभी को लेके हम आपको डिस्कस करेंगे। हिंदी भाषा इसे हम बाद में पढ़ाएंगे, वैसे
वैसे तो बिहार पीसीएस का हिंदी साहित्य का क्लासेस हम करवा रहे हैं यूट्यूब पर, जिस पर हम कुछ भाषा का पार्ट करा चुके हैं और कुछ मैं मॉडल आंसर के रूप में करा चुकी हूँ, और बाकी अभी गद्य खत्म होने वाला है सिलेबस से, उसके बाद मैं भाषा विज्ञान का पार्ट शुरू करूंगी। तो अगर उससे अगर आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो उसमें देख सकते हैं आप इसको, और बाकी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको और सेकेंड पेपर के जो कवि और लेखक हैं इनको हम साथ साथ लेकर चलेंगे। यानी कि अगर हम आदिकाल के बाद अगर भक्ति काल पढ़ा रहे हैं तो भक्ति काल में कबीर, सूर, तुलसी, जायसी जो आपके सिलेबस में है इन्हें हम साथ ही साथ पढ़ाएंगे। ये आपका फर्स्ट पेपर का सेकेंड पार्ट और सेकेंड पेपर के दोनों पार्ट हम एक साथ लेके चलेंगे, जिसमें आपका देखो कुछ कुछ बिहार पीसीएस में भी मिलता जुलता है, जैसे कबीर है, सूर है, तुलसी का तो उत्तरकांड नहीं मिलता है क्योंकि बिहार पीसीएस में अयोध्या कांड है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी के ये दोनों सर्ग हैं, और उसके अलावा दो और सर्ग हैं, बिहार में चार सर्ग हैं, पंत बिहार में नहीं है, निराला की राम की शक्ति पूजा बिहार के सिलेबस में भी मैंने पढ़ाया है, अज्ञेय की असाध्य वीणा बिहार में नहीं है, मुक्तिबोध का अंधेरे में है, नागार्जुन नहीं है, ये चिंतामणि के निबंध हैं उसमें, और अधिक निबंध हैं उसमें, और उपन्यास में गोदान है, इसके बाद वहाँ शेखर एक जीवनी है जो आपके सिलेबस में यूपी में मेला आंचल है, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद का आपके बिहार के सिलेबस में भी है, और स्कंद गुप्त नहीं है वहाँ, चंद्रगुप्त है। तो कहानियाँ वहाँ मुंशी प्रेमचंद की जो भाग एक की पूरी कहानियाँ उसमें है, और यहाँ आपके मुंशी प्रेमचंद की सिर्फ एक कहानी माँ है। तो कुछ कुछ सिलेबस सेम भी है, आप उसके वीडियो भी चाहें तो देख सकते हैं डेमो के लिए। बाकी हम ये क्लासेस मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको लगेगा कि अभी मुझे प्री पढ़ना है, लेकिन प्री के लिए आप पूरा टाइम मेंस को नहीं दीजिए, प्री के लिए भी समय रखिए, लेकिन 2 घंटे मेंस के लिए अगर देते रहेंगे हमारा वीडियो देख के, अगर आप नोट्स भी तैयार करेंगे या क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पर डे लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, कोई काम नहीं है, सब लोग घर में कैद हैं, समय पर्याप्त है। तो अभी आप मेंस की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया मंडे से आपके लिए। हम मंडे से ये वाला पोर्शन हिंदी साहित्य का इतिहास हम शुरू करेंगे, जिसमें आपके पास सिलेबस होगा, नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा नेट से, और नहीं तो हम भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस दे देंगे, उसमें विस्तार से ये सब के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी दिखाया जाएगा। तो नामकरण की समस्या, काल विभाजन, इतिहास लेखन की परंपरा, इन सब से हम स्टार्ट करेंगे और फिर आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे। हम पॉलिटी का भी क्लास हमारे यहाँ चल रहा है, इंडियन पॉलिटी, जिसे हम प्री कम मेंस के आधार पर पढ़ा रहे हैं, तो आप वो वीडियो भी देखिए। शाम को 6 बजे वो वीडियो अपलोड होता है, शाम को 6 बजे आप इंडियन पॉलिटी ज़रूर देखें, उसमें संविधान भी पढ़ाया जा रहा है, और संविधान के साथ साथ फिर उसमें राज व्यवस्था, जिस तरह से यूपी और आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आधार पर आपको राज व्यवस्था भी पढ़ाई जाएगी, और संविधान से जैसे क्वेश्चन फ्री में आते हैं वो भी बताया जाएगा। तो आप उसे देखना ना भूलें, ज़रूर देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ सकें। धन्यवाद।